और उसके बिस्तर के पास रखी हैरी की जादुई तलवार उठाकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल आता है। फिर बंदर हैरी को उसकी जादुई तलवार दे देता है। हमें पिंजरे को बिना आवाज किए तोड़ना होगा। अगर वो बुरी जादूगरनी जाग गई तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हैरी अपने जादुई तलवार की शक्ति से वहाँ बहुत सारे जादुई चूहे प्रकट कर देता है। फिर वे सभी चूहे एक एक कर उस पिंजरे को काटना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते लोहे का पिंजरा पूरी तरह टूट कर अलग हो जाता है। मैं उस जादूगरनी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी उसके कमरे में जाकर उसे मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं नहीं हैरी, ऐसी गलती मत करना। रात के समय डायना जादूगरनी की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। इस वक्त तुम्हारी सारी शक्तियाँ उसका सामना नहीं कर पाएगी और हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इसीलिए यहाँ से चुपचाप निकल जाने में ही हमारी भलाई है। बंदर की सलाह मानकर हैरी दबे पांव गुफा से बाहर निकलकर अपने महल की ओर चला जाता है। तभी अचानक डायना जादूगरनी की नींद खुल जाती है। वह दौड़कर पिंजरे के पास जाती है। पिंजरे को टूटा हुआ देख वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि राजा हैरी अपनी जादुई तलवार की शक्ति से ढेर सारे चूहे प्रकट करके लोहे के पिंजरे को काट कर वहां से भाग निकलता है। जब यह बात जादूगरनी डायना को पता चलती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अब आगे डायना जादूगरनी कांच के घर के अंदर कैद तीनों राजकुमारियों को बाहर निकालकर उन्हें हुक्म देना शुरू कर देती है। तुम तीनों फौरन गुफा से बाहर जाओ और उस राजा को पकड़कर मेरे पास ले आओ। फिर तीनों राजकुमारियां हवा में उड़ती हुई गुफा से बाहर निकलकर जंगल में हैरी को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर के बाद हैरी उन तीनों राजकुमारियों को दिखाई दे जाता है। तीनों राजकुमारियां अपनी तलवारें निकालकर हैरी का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। देखो, तुम तीनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम तीनों मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन वह तीनों राजकुमारियां हैरी की एक नहीं सुनती और अपनी तलवार से हैरी पर हमला करने लगती है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर हैरी अपनी जादुई तलवार निकालकर तीनों राजकुमारियों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। देखते ही देखते हैरी एक एक कर तीनों राजकुमारियों की तलवारें तोड़ देता है। फिर हैरी अपनी जादुई तलवार की शक्ति से वहां आग से जलता हुआ एक बड़ा कुआं प्रकट कर देता है। अब तुम तीनों नहीं बचोगी। मैं अभी तुम तीनों को उठाकर इस जलते हुए कुएं में फेंक दूंगा। फिर हैरी उन तीनों राजकुमारियों को पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही हैरी तीनों को कुएं के अंदर फेंकने जाता है कि तभी वहां उसका दोस्त बंदर आ जाता है। नहीं, ठहर जाओ हैरी, इन तीनों को मत मारो। ये तीनों बेगुनाह है। डायना जादूगरनी ने सम्मोहन के जरिए इन तीनों को अपने काबू में कर रखा है। दरअसल ये तीनों परी देश की राजकुमारियां हैं। बंदर की बात सुनकर हैरी रुक जाता है। अगर ऐसी बात है तो इन तीनों का सम्मोहन तोड़ने का कोई तो उपाय होगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। हमें काली घाटी में जाना होगा। वहाँ की गुफा में जादुई शरबत का एक झरना मौजूद है। उस जादुई झरने के पानी में नहाने के बाद इन तीनों राजकुमारियों पर किया गया काला जादू पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की है, चलो इसी वक्त काली घाटी के झरने के पास चलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें बहुत संभल कर जाना होगा। दरअसल जादुई झरने की रक्षा करने के लिए वहाँ एक खतरनाक ड्रैगन पहरा देता है। हमें सबसे पहले उस ड्रैगन का मुकाबला करना होगा। इन तीनों राजकुमारियों को सम्मोहन से मुक्त कराने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। चलो काली पहाड़ी की ओर चलते हैं। फिर हैरी बंदर और उन तीनों राजकुमारियों के साथ काली पहाड़ी की ओर निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वे सभी काली पहाड़ी के गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें गुफा के अंदर से डरावनी आवाजें सुनाई देती है। वे लोग जैसे ही गुफा की ओर बढ़ते हैं कि तभी अचानक हवा में उड़ता हुआ एक खतरनाक ड्रैगन गुफा के सामने आ जाता है। देखो हैरी, ये वही ड्रैगन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। यह ड्रैगन गुफा की रक्षा करता है।
गुफा के अंदर जाने से पहले हमें इस ड्रैगन का मुकाबला करना होगा। उसके बाद हैरी ड्रैगन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हैरी को अपने सामने देख ड्रैगन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। कौन है तू और यहाँ इन लोगों के साथ क्या करने आया है? एक बुरी जादूगरनी ने इन तीनों मासूम राजकुमारियों पर काला जादू किया है। झरने के जादुई पानी में नहलाकर मैं काले जादू को खत्म करना चाहता हूँ। मेहरबानी करके हम सभी को गुफा के अंदर जाने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें गुफा के अंदर नहीं जाने दूंगा। इस गुफा पर सिर्फ मेरा अधिकार है। अगर तुम्हें गुफा के अंदर जाना है तो सबसे पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर। लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर हैरी अपनी जादुई तलवार निकाल लेता है, लेकिन तभी ड्रैगन अपने मुंह से हैरी के ऊपर आग उगलने लगता है। लेकिन तभी हैरी अपनी जादुई तलवार को सामने रख देता है और तलवार से टकरा कर सारी आग वापस ड्रैगन के शरीर के ऊपर चली जाती है, जिससे ड्रैगन के शरीर में आग लग जाती है और वह दर्द से तड़पने लगता है। हाय मर गया रे, आ कोई बचा मुझे, ये नौजवान तो बहुत चालाक निकला। अरे कोई इस आग को बुझाओ वरना मैं जलकर मर जाऊंगा। देखते ही देखते ड्रैगन तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है और थोड़ी ही देर में उसका शरीर धुआं बनकर हवा में उड़कर गायब हो जाता है। ड्रैगन की मौत पर बंदर और तीनों राजकुमारियां बहुत खुश होती है। हैरी तुमने तो कमाल कर दिया, अब हमें गुफा के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलो तीनों राजकुमारियों को लेकर गुफा के अंदर चलते हैं। फिर बंदर और हैरी उन तीनों राजकुमारियों को लेकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा अंदर से बहुत विशाल थी। तभी उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा लाल रंग का झरना दिखाई देता है। सुनो, तुम तीनों जल्दी से इस झरने के पानी में नहा लो, उसके बाद तुम तीनों के ऊपर किया गया काला जादू पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम तीनों अपने परिदेश वापस लौट जाना। तीनों राजकुमारियां खुश होकर झरने के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक झरने के पानी से एक बहुत बड़ा तीन सिर वाला विशाल सांप बाहर निकल आता है। फिर अगले ही पल वह सांप तीनों राजकुमारियों को अपनी पूंछ में जकड़ लेता है। बचाओ बचाओ हैरी, हमें बचाओ वरना ये सांप हमें मार के खा जाएगा। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।